my MBBS from Dresden Medical University. I went in Russia in 2011 and completed in 2017. I took coaching from my fourth year onwards. मतलब जब भी मैं summer vacations के लिए आती थी, I took coaching and family members को भी मैंने time दिया है. ऐसा नहीं है कि मैंने family को time नहीं दिया है. फैमिली में टाइम दिया है, कोचिंग करी है. मतलब आई यूज टू कि मतलब कैसे हमें डिवाइड करना है टाइम फैमिली के लिए भी एंड पढ़ाई के लिए भी, बिकॉज पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट बट फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वेन देयर इज अ फैमिली सपोर्ट तो आप अपने आप हर चीज को फेस कर सकते हो जो भी लाइफ में आएगा. तो उसके बाद देन आई हैव कम्प्लीटेड माई MBBS एंड आई कम बैक टू इंडिया. तो उसके बाद मैंने फिर कम्प्लीट कोचिंग ली जो दिल्ली में स्टे करके लेनी होती है कोचिंग हमें. अब आजकल तो देयर इज अ फ्यू मतलब मेनी ऐप इज देयर कि आप घर बैठ के अपनी कोचिंग कर सकते होते हो. लेकिन ऐसा होता है कि हम दिल्ली में रुकते हैं, कोचिंग करते हैं. कोचिंग कंप्लीट हुई मेरी, उसके बाद मैंने MCI का एग्जाम दिया. नाउ आई हैव क्रैक्ड इट. तो मतलब थिंग इज दैट कि मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ना इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी कि पढ़ाई करनी है आपको. बट ऐसा नहीं है कि आप लाइफ से एकदम हट जाओगे तो आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो. ट्राई टू डू टू कोरिलेट द थिंग्स, मतलब फैमिली को भी लेना है एंड पढ़ाई भी करनी है. आई यूज टू स्टडी 10 to 12 आवर्स इन स्टार्टिंग. उसके बाद धीरे धीरे मैंने टाइम पीरियड बढ़ाया, क्योंकि एक होता है ना कि आप एकदम से रशिया से आ गए और उसके बाद आप मतलब नहीं कर पाते हो, उतना टाइम सेटल नहीं हो पाता है, क्योंकि सिटिंग आवर्स चाहिए काफ़ी लंबा. 10 to 12 आवर्स स्टडी बोलने पे लगता है कि 10 to 12 आवर्स स्टडी है, बट इट्स नॉट अ 10 to 12 आवर्स स्टडी. यू हैव टू सिट इन. मतलब कोई ये नहीं कि उस वक्त हम फोन यूज करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा. वो 10 to 12 आवर्स आपके बस सिर्फ मतलब पढ़ाई पे ध्यान होगा. अगर आपने वो 10 to 12 आवर्स पढ़ लिया देन मतलब थिंग इज कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जब एग्जाम पास आएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा फेयर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही 10 to 12 आवर्स स्टडीज रेगुलर बेसिस पे की हुई है. उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, देन 13 आवर्स पढ़ो. उसके बाद जब आपका एग्जाम पास आए तो मतलब वो फेयर को हम इतना फेयर होता है हमारे में एग्जाम क्लियर करने का कि हम पढ़ नहीं पाते उतना. तो मतलब तब फिर से 10 आवर्स स्टडी करो. ट्राई टू डू कि मतलब आप ज़्यादा बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्या होता है हम कोचिंग से आते हैं फिर पढ़ ही नहीं पाते हैं, हम थक जाते हैं. तो मतलब जितना कोचिंग में पढ़ाएं वो डेली आके पढ़ो, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो. जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ईजी होगा, कि मतलब जैसे आपने उस वक्त क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पे तो यू गेट आंसर डायरेक्टली. ट्राई टू डू कि बेसिक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्लिनिकल जैसे आप बेसिक पढ़ोगे क्लिनिकल अपने आप आ जाएंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. बच्चे क्या करते हैं पहले पहले क्लिनिकल इतना नहीं पढ़ मतलब बेसिक नहीं पढ़ते हैं, वो क्लिनिकल पे ध्यान देते हैं कि इंटरेस्टिंग होता है. हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें क्या करना है पहले बेसिक पढ़ना है. अगर हमने बेसिक अच्छे से कर ली तो फिर क्लिनिकल अपने आप आ जाएगा. और क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही बेटर है हमारे लिए कि हम क्रैक कर सकें MCI. लास्टली मैं ये बोलूँगी कि जो बच्चे अभी अपियर होने वाले हैं MCI एग्जाम के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट. और अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, मतलब जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है अभी उस पर भी पढ़ाई पे ध्यान दो. क्योंकि जब तुम ये सक्सेस मिल जाएगी ना तुम्हें, यू विल गेट द मतलब कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है. हेलो सर. हेलो. ओके. एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी ने जो रशिया में MBBS कंप्लीट किया है उसके बाद के जो मीन्स एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग MCI क्लियरेंस तक, आप थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ रूस एजुकेशन के साथ तो हमारे लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल होगा. तो काइंडली आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना. हाँ यस मैम, डेफिनेटली क्यों नहीं है. मैं 2011 में पेपर में ऐड देखा था, रूस एजुकेशन में ऐड देखा था, उसमें फ़ोन नंबर था. तो उस फोन नंबर से मैंने जब बात किया, देखा रूस एजुकेशन डायरेक्टर साहब है मिस्टर रेगन साहब, उन्होंने फ़ोन पिकअप किया है. तो फिर मैं सर को बोला हूँ जे सर रूस एजुकेशन में भेजने का क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, उन्होंने मुझे ओवर द फोन समझाया. मैं पूरा ब्रीफिंग ले लिया, लेने के बाद मैंने देखा मेरा बेटी एलिजिबल है रूस एजुकेशन के थ्रू, वो फॉरेन में अब्रॉड में स्टडी करने जा सकते हैं. और उसके बाद मैं ऑफिस में गया और सब कुछ फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरा कर दिया. सिर्फ मैं पासपोर्ट दिया था, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए मेरा सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे काम उन्होंने किया. सिर्फ एक्सेप्ट जो है पासपोर्ट है वो हमारे इशू का पासपोर्ट हम लेकर के मैं रूस एजुकेशन ऑफिस में दे दिया. रूस एजुकेशन में जितने भी स्टाफ है दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव. इवन जो भी मेरा कोई प्रॉब्लम होता था डायरेक्टर साहब से बात करते थे, डायरेक्टर साहब देन एंड देयर सॉल्व कर दिया था. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो एक्चुअली मींस बेटी जब रशिया गई तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, मतलब जब 6 साल वहाँ पे थी आपको कुछ मींस प्रॉब्लम ऐसा लगा? देखिए ऐसा है 6 साल तो बहुत लंबी टाइम होता है.
तो लंबे टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग है ये 6 साल का दौरान में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है से ड्यू टू रूस एजुकेशन। रीजन बीइंग कब भी कुछ छोटी मोटी दिक्कत होते थे मैं रूस एजुकेशन ऑफिस में बात करते थे, देन एंड देयर सॉल्व कर देते थे। 6 साल कैसे बीत गया है वो हमें ही पता नहीं चला है, क्योंकि रूस एजुकेशन का सारे स्टाफ अच्छे है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करते थे। कई प्रॉब्लम आते थे उस रिस्पॉन्स के वजह से मुझे फीलिंग नहीं हुआ मेरी बेटी 6 साल दूर में रहा और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके बाद जो एक एमसीआई का कोचिंग का डिसीजन था ये सब था, उसमें आपका कितना मींस हेल्प हुआ, मींस नीलोफर को, आपने डॉक्टर नीलोफर को आपने कितना हेल्प किया है? देखिए एज ए गार्जियन जो है मैंने उनको इनकरेज करते थे, क्योंकि एक फोबिया होता था, लोग सब कहते हैं एमसीआई क्रैक होना मुश्किल है, एमसीआई नहीं कर पाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन आते थे बहुत सारे सॉल्व करते थे कि कितने परसेंटेज है, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं, परसेंटेज देखते नहीं, मेरा एक दिल में होता था जो ISIPS है वो भी कितनी परसेंट पास करते थे तो MCI क्यों नहीं क्रैक होगा। तो रूस एजुकेशन से उनको तो हेल्प इनकरेज मिलता था और रूस एजुकेशन ने उनको ट्रेनिंग भी देते थे और मेरे तरफ से पूरी सपोर्ट था, इनकरेजमेंट था और हम उनको हमेशा कहते थे कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है आपकी बेटी ने MCI क्रैक कर दिया? नहीं, नेचुरली जो 6 साल पास करके आई यहाँ कोचिंग किया, उसके बाद जो MCI जो क्रैक होना जो बहुत डिफिकल्ट था वो क्रैक किया। जो है इंडिया में जो सीट है बहुत कम है, उसके बाद कुछ बच्चे है एग्जाम देने के बाद उनको जब सीट नहीं मिलता है वो डिसहार्टेंड हो जाता है। मैं तो ये दे दूंगा क्लियरली सबको, ये कहूँगा कि डिसहार्टेंड होने का कोई जरूरत नहीं है, और रूस एजुकेशन के पास आइए, उन लोग रास्ता दिखाएंगे, एवेन्यूज इनका पास है, इनका थ्रू आप एब्रॉड में जा करके आप MBBS पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई करने के बाद जो अच्छे वहाँ पढ़ाई करेंगे, ये आप एग्जांपल है, मेरा डॉटर जो MCI क्रैक किया, MCI वो डेफिनेटली क्रैक भी करेंगे, MBBS डिग्री मिलेगा, जैसे आज मैं प्राउडनेस फील हो रहा है, ऐसे भी सब पेरेंट्स के पास, सब पेरेंट्स भी उस वक्त वो कहेंगे जे लेटी आई फील प्राउड for my daughter या son जो भी हो। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मतलब year drop ना करें कि बाहर चले जाए abroad में पढ़ने के लिए MBBS? हाँ, मैं तो definitely कहूँगा क्योंकि year drop करने कोई फायदा नहीं, year loss ही हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, ultimately जब यहाँ chance नहीं मिलता है year drop ना करके, कोई year loss ना करके without any second thought उनको abroad में जाना चाहिए। Okay sir, thank you so much for coming here. Okay sir, thank you so much.